हेलो दोस्तों, तो यार लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देखा था कि मैं मायके के लिए निकल गई थी। अगर नहीं देखा है तो वाला ब्लॉग भी पहले देख लेना, उसके बाद ही ये कंटिन्यू हो रहा है यहाँ से। तो यार मायके पहुँच गए थे हम लोग, और भाभी तो है नहीं, भाभी अपने मायके गई हैं। क्योंकि यार ये वाला फेस्टिवल जो होता है ना, ऐसे ही होता है, हर किसी को अपने मायके को जाना होता है, राखी बांधनी होती है भाई को, तो इस फेस्टिवल पर तो ज़्यादा मिलना जुलना हो नहीं पाता है। बट वैसे हम लोग मिल ही लेते हैं, तो इसलिए फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो भाभी तो खैर रह के आएंगी अपनी मायके में, तो जीनू मिस कर रही थी काफ़ी अपने भाई बहनों को, क्योंकि मैं को बहुत याद कर रही थी, मिश्का दीदी को अपनी याद कर रही थी, क्योंकि उनके साथ खेलती है ना, आते हुड़दंग मचाते हैं लोग, बट वो लोग मिले नहीं। तो हम लोग ऊपर ही बैठ गए थे आके, क्योंकि गर्मी में से आए थे सीधे, तो भाई ऊपर ही ले आया था, भाई अपना काम कर रहा था तो ऊपर ही आ गए थे हम लोग भी। तो आराम से एसी में बैठे हैं और नाश्ता पानी चल रहा है अभी। मम्मी भी थोड़ी देर में ऊपर ही आ जाएंगी, मम्मी बैठेंगी, सब लोग यहीं पे आके फिर आराम से बैठ के गप्पे शप्पे मारे थे हम लोगों ने। और हस्बैंड तो यार अभी निकल जाएंगे, मतलब तो मुझे छोड़ के, फिर वे शाम को निकल जाएंगे। जी उन्होंने देखो सारे टॉयज चला दिए। तो भाई क्या बना रही हो मम्मी? खीर बन रही है भाई, देखो पूर्णमासी का। हाँ, मम्मी का व्रत है इसलिए मेवा डाल के खीर खाएंगे। भगवान का तो पान है। हाँ मम्मी खाएंगी, भगवान का माना, भोग लगाए भगवान, थोड़ी सी चाखेंगे भी। सही बात, हम सारी खा जाएंगे सबको देंगे एक एक कटोरी। अच्छा दोगे, हमें भी मिलेगी फिर, सबको मिलेगी, उन्हें भी मिलेगी जो जो लाइक करेगा ना उन्हें मिलेगी। हाँ भाई, तो जल्दी से लाइक ठोको फटाफट। इधर देखो, इधर देखो भाई, बहना के लिए देखो क्या लेके आया, खस्ता कचौड़ी लेके आया सब्जी वाली। ये देखो बना के रेडी भी कर दी उसने, ये तो बहुत सारी है, मैं इतनी नहीं खाऊंगी। अरे कम कर ले, इसमें से निकाल ले। जीनू मिर्च लगेगी इसको, इसने पनीर खा लिया अच्छी तरह। तो यार देखो आते होने लग गया खुशामद मायके में, मायके का प्यार ही अलग होता है। मेरी सकल की बैंड बज रखी है अभी जब से मैं ऐसी घूम रही हूँ, थकान हो गई है, बाइक पे आते थे ना इतनी धूप में, दिमाग खराब हो गया आज। ऊपर से रक्षाबंधन के ऐसे इतना जाम मिला, इतना ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा वाला, बट ये है कि आ गए टाइम से घर पे और हस्बैंड चले गए छोड़ के घर वापस। और मैं यहाँ से कल निकल जाऊँगी, राखी बांधूँगी सुबह, हम लोग 31 को कर रहे हैं राखी, तो मॉर्निंग का मुहूर्त है, 7 बजे तक राखी बांध देंगे हम लोग, जल्दी उठेंगे कल और जल्दी नहा धो के राखी बांधेंगे। उसके बाद फिर देखती हूँ दोपहर तक घर निकल जाऊंगी मैं वापस। और अभी मैंने खाए थे नान और अभी पेट भरा हुआ है, मन नहीं कर रहा ज़्यादा, बट ये कि गर्मा गर्म है तो खा लेती हूँ थोड़ी सी। जीनू खाओगे बेटा? जीनू को भाई और बहन नहीं मिले अपने, कल मैं अब इसका चले गए अपनी नानी के घर, जीनू अकेले खेल रही है। जीनू आ जाओ बेटा, पानी पियोगे? नानी से ले लो गिलास, अच्छा कबूतर के लिए भर रहे हो, और भरो, टंकी को और खोल लो कम है, हाँ खोल लो कम है, जाओ जाओ खोल लो कोई बात। जीनू को चस्का चढ़ गया, अच्छा खासा पाइप मिल गया पौधों में पानी लगाने के लिए। हाँ हाँ जाओ, अब आएगा धीरे धीरे। पौधों में लगाओ, अब तो बिखेर रहे हो जीनू, अब तो बिखेर रहे हो पानी को, हाँ लगाओ। तो यार जीनू पानी लगा रही थी पौधों में जाके, पाइप देख के ना उसको मस्ती सूझ गई थी, तो इसलिए लगाने लग गई थी। और पूर्णमासी थी तो इसलिए मम्मी ने जो है खीर बनाई थी शाम के टाइम पे, उसी से पूजा करती हैं, वो व्रत रहती हैं। और मम्मी के तो 3 व्रत हो गए थे इस बार, एकादशी और सोमवार का भी और पूर्णमासी, बट वो छोड़ती नहीं है कोई भी व्रत, तो उन्होंने रखे थे, तो व्रत अपना शाम को खोला उन्होंने। और हम लोग तो यार शाम को मार्केट आ गए थे, क्योंकि मिठाई वगैरह लेनी थी सुबह के लिए रक्षाबंधन के लिए, तो उसी मम्मी ने सोनी सोने रख लिए हैं, और जवे भी बना दिए मम्मी ने सुबह जल्दी उठ के, जवे बन चुके हैं। मैं भी रेडी हो गई हूँ, मैं भी हो गई हूँ तैयार, बस बाल बांधने मुझे,
सब आ रही है मुझे बहुत तेज वाली नींद, वो जल्दी उठ गए थे, रात में भी नींद नहीं आई थी, बड़ी लेट नींद आई हुई। 6 बज चुके हैं और हम लोग रेडी हो चुके हैं सब लोग, शुभम भी आई रहा होगा नहा धो के, नीचे चलते हैं, पापा नीचे चौक कूट दिया है, नीचे चल के राखी वाखी बांधते हैं। ये देखो जी इन्हू भी आज जल्दी उठ गई है अपने आप, क्या हुआ। और सबसे पहले मम्मी ने की पूजा, मतलब सोनी सोना बनते हैं ना जो, तो उससे पूजा तो मम्मी ने कर दी है, वहीं से भूख लगा दिया था ऊपर, और नीचे आके फिर भगवान जी की सबसे पहले पूजा करी फटाफट से, क्योंकि सबसे पहले तो भाई अपने गोपाल जी को राखी बांधनी है, एंड देन हम सब लोगों ने राखी बांधी। और इस बार इतने जल्दी जल्दी हुआ है ना यार सब कुछ राखी पे, मतलब ना ज़्यादा वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाया ना कुछ भी, क्योंकि टाइम मुहूर्त ही 7 बजे तक का था और इसलिए जल्दी जल्दी करना था, और 7 बजे हम लोग राखी बांध के निपट गए थे, राखी बांध दी थी मैंने, तो इसलिए फिर मम्मी जल्दी जल्दी, मम्मी ने अपना खुद रेडी नहीं हो पाई मम्मी, फिर बाद में मम्मी ने साड़ी वाड़ी जो है बाद में पहनी है, सुबह से ही लग चुकी थी चारी फटाफट से। और यहाँ भाई दोनों मेरे नहा धो के आ चुके थे, और जीनू को भी नहा ली थी, तो जीनू को भी शौक था कि मुझे राखी बनवाना, उसके लिए एक राखी लेके आई थी ना मैं, तो उसे वही वाली राखी बनवानी थी, तो इसलिए रेडी होके बैठी है अभी। और पीछे से ना जीनू ने मिठाई खाना भी स्टार्ट कर दिया, निकाल निकाल के खा रही थी वो, और उसके बाद उसने फिर राखी बनाई थी, तो मैं जी सुबह से वही कहते उनका वेट फोटो तो एक भी नहीं हो पाई है, क्योंकि जल्दबाजी यार इतनी थी कि मुहूर्त है ये सब है, तो फिर इसलिए बाद में फ़ोटो एक दो जो भी लिए बाद में ले पाई हैं। और मम्मी लेके आई थी जीनू के लिए राखी, तो मम्मी ने उसे राखी बांध दी है, तो मैडम ने फ़ोन ले लिया और अपना फ़ोन में बिजी हो गई है जीनू, और इधर मैं बांध रही हूँ पापा जी के, क्योंकि पापा के भी राखी यार मैं ही बांधती हूँ, क्योंकि मेरी कोई ना बुआ नहीं है, तो मैं ही घर में पहली जो बच्ची हुई ना बेटी हुई हूँ मैं ही हुई थी घर में पहली, तो मैं ही सबके राखी बांधती हूँ, तो इसलिए पापा के शुरू से मैं ही बांधती हूँ मम्मी पापा के। तो बस यहाँ बांधने के बाद फिर उसके बाद मैं जाऊँगी सामने आंटी के सामने आंटी के घर है ना, तो वहाँ पे जाऊँगी बांधने, तो उनके बेटे हैं आकाश अनुज, तो उनको भी राखी बांधती हूँ मैं, तो बचपन से ही, मतलब बचपन से नहीं यार काफ़ी टाइम से, जब से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो मैं उनके स्टार्टिंग से बांधती रही हूँ राखी, तो इसलिए अभी तक मैंने एक भी राखी छोड़ी नहीं उन्हें बांधना, तो इसलिए भी वहाँ जाऊँगी, क्योंकि फिर बाद में यार टाइम फिर लेट हो जाएगा, तो सुबह के टाइम ही राखी बांधता हूँ, उसके बाद ही फिर मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी जो भी खाना है, तो पहले मैं राखी बांधती हूँ व्रत रह के राखी बांधती हूँ। तो यहाँ पे आ गई थी मैं, तो आकाश उठ गया था, अनुज तो सो रहा था, तो अभी उसके राखी बांध दिया, और यहाँ फिर आंटी ने बिठा लिया, फिर बहुत देर तक हम लोगों ने गप्पे छप्पे मारे हैं, क्योंकि फिर यार मेरे को निकल जाना है दोपहर के टाइम पर, तो इसलिए फिर यहाँ बैठ गई थी आंटी के पास थोड़ा सा, उन्होंने जाने नहीं दिया, खाने की जिद कर रही थी बट खाना मैंने खाया नहीं, मैं फिर घर निकल गई थी, और घर पे जाके फिर यार मैं ना बिना खाए और मैं लेट गई थी, भूख बिल्कुल भी नहीं थी बट नींद चढ़ रही थी बहुत ज़्यादा। सारी तैयारी कर ली खाने की, पूड़ी कचौड़ी सब कुछ बन गई, तो ये क्या मंदिर के लिए खाली रही थी अच्छा नहीं ये वाली ये मंदिर को पहुँचाई थी अच्छा मंदिर में पहुँचा ली मैंने खाना। तो आग लग गई थी यार रात में, नींद नहीं आई थी ढंग से, सुबह जल्दी उठ गई थी, तो मैं तो सो गई थी लेट के ऐसी, मम्मी ने तक सारा खाना वाना सब कुछ बना लिया, अभी उठी हूँ मैं, ये रखा हमारा खाना, जीनू भी लेट गई थी मेरे पास, जीनू भी सो गया था। नानी को अंदर बुलाओ, अंदर बुलाओ नानी को, अभी आ गई नानी, आप उठ के बैठो, देखो नानी ने कितना अच्छा खाना बनाया, खा लो बैठो तभी खिलाओ। देखो भाई
ये कहाँ से पकड़ पकड़ के बनवाई है तूने? अच्छा, सारी कजन वगैरह है। ये है शुभम का दोस्त, दाढ़ी से पता चल रहा होगा इसके मुझे एक्स्ट्रा थोड़ी। हाँ सब ने बांधी होगी, अपनी सगी तो एक ही है। सगी एक ही है ना, बाकी सारी चाचा तो सब सगी सी होती है। चल फ्रूटी पी ले, तेले फ्रूटी रख रखी हूँ पैन चला। और यार इतने में हो गया जाने का टाइम, बिल्कुल भी पता नहीं चला टाइम कहाँ निकल गया, मतलब दिन कहाँ निकल गया पता नहीं चला। तो बट जाना तो है ही ना, लड़कियों को दोनों घर देखने होते हैं, मायका भी और ससुराल भी, तो इसलिए वहाँ भी मुझे देखना है क्योंकि मेरी नंद दो जो हैं वो रुकी हुई हैं, तो वो निकल जाएंगी फिर। वैसे भी उनका आना हो नहीं पाता है, दूर से आई हैं, तो इसलिए फिर मैंने कहा, मम्मी बहुत रोक रही थी बट मैं रुकी नहीं, फिर मैंने कहा निकल जाती हूँ। और जीनू के स्कूल का भी था, तो बस जिम्मेदारियाँ जो हैं वो घेर लेती हैं जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ऐसे ऐसे। हे गाइस, तो यार मैं आ चुकी हूँ घर पे और काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे यहाँ पे आए हुए, देर हो गई है, अभी तो 9:30 बज चुके हैं। फटाफट कम कर लो, देखो। तो यार काफ़ी टाइम हो गया मुझे आए हुए घर, और आज के ब्लॉग जो है ऐसे ही बन पाया क्योंकि भागम भाग रही है जल्दी से, क्योंकि मुझे आना था घर, मम्मी तो रोक रही थी काफ़ी कि एक दो दिन और रुक जा, संडे को निकल जियो। बट मेरे को क्या है ना, जीनू के स्कूल का था, स्कूल के प्रोग्राम है इसका, जन्माष्टमी का 2 तारीख को ही है, तो वो इसने पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो फिर उसके प्रैक्टिस चल रही है, तो उसके चक्कर में, जीनू के चक्कर में आना पड़ा मुझे। और नीतू दीदी भी आई हुई हैं, मेरी नंद आई हुई हैं, तो इसलिए फिर आना पड़ा क्योंकि वो निकल जाएंगे आई थिंक 2 तारीख को शायद वो जा रही हैं, तो इसलिए मैं आज 31 को आ गई हूँ। और कल जीनू को भेजेंगे स्कूल सुबह, परसों जीनू का प्रोग्राम है, हम लोगों को भी जाना है देखने के लिए। और यार थकान हो गई, बस त्यौहार हो गए बढ़िया से सबके, यहाँ भी सबके बढ़िया से हो गए और वहाँ भी सबका बढ़िया, सब कुछ हो गया बढ़िया, अच्छा लगा, मन नहीं था आने का बट क्या करें, ज़्यादा टाइम रुका नहीं जाता। और बस इनका ब्लॉग का एंड तो करी, तो ब्लॉग तो ऐसे ही बन पाया आज ना, बस कुछ हो ही मत। वहाँ पे भी दिन में लेट गए तो थोड़ा सा आराम किया वहाँ पे, और उसके बाद क्या कुछ नहीं, मम्मी ने खाना पीना बनाया, राजमा चावल बनाए थे आते टाइम, दोपहर में ही बना लेते मम्मी ने क्योंकि मेरे को निकलना था, तो फिर मम्मी ने राजमा चावल बनाए फटाफट से और बस खिला पिला के भेजा। मम्मी पूरे दिन लगी रही हैं कल तो माँ का तो ऐसे ही होता है ना, उनको लगता है कि बेटियाँ जा रही हैं तो ये कर दूँ वो कर दूँ, तो भूख नहीं थी मुझे बिल्कुल भी, फिर भी वो मानी नहीं तो खिला के ही भेजा उन्होंने। तो अभी मैंने सुबह सब्जी वब्जी की तैयारी कर दी, अभी वही कर रही थी काम किचन में, और सारा बैग वैग खाली करा। और ये चूड़ियों का देखना यार, कलर निकल गया है, वेलवेट की चूड़ियाँ हैं ना ये, तो पानी लगते इनका कलर जो है निकल गया, इनको अभी दूसरी वाली मैं चेंज करती हूँ। और सामान वामान सब खाली कर दिया, एक ही बैग था, ज़्यादा तो था नहीं तो कपड़े मैंने रख दिया। चलिए यार आपसे मिलते हैं अब कल, देखती हूँ यार ब्लॉग एडिट करती हूँ बैठ के, जल्दी से डाल दूँगी राखी का ब्लॉग वरना लेट हो जाता है फिर। चलो बाकी अपना ध्यान रखो, आप लोगों की राखी कैसे की मुझे कमेंट बताना। चलिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए।